पानसेमल में सागवान पेड़ों के अवैध कटाई व अवैध उत्खनन का मामला दर्ज। बड़वानी जिले के पानसेमल जनपद के ग्राम पंचायत अलखड़ के ग्राम कंजापानी में सागवान की अवैध कटाई व अवैध रूप से उत्खनन का मामला सामने आया है। वहां के किसान द्वारा उसकी मूल कृषि भूमि का रकबा बढ़ाने के लिए सागवान के पेड़ों की कटाई व पहाड़ी को काट कर वन विभाग की जमीन पर भराव किया जा रहा था। आने वाले समय में उसके द्वारा जब सरकार द्वारा किसानों को भू पट्टे वितरण किए जाए तो यह किसान स्थानीय पटवारी की साठगांठ से उसका सर्वे किसान के हक में दे दे। यह कटाई अवैध रूप से उत्खनन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की जेसीबी मशीन से की गई है, जिस पर कार्रवाई अभी बाकी है। वन विभाग पानसेमल के वन परिक्षेत्र अधिकारी मंगेश बुंदेला से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2022 को सेवापिता कांद्या निवासी ग्राम कंजापानी से जब्त सागवान की लकड़ी 600 धन मीटर के कुल 55 नग जब्त किए हैं। किसान पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। उक्त कार्रवाई गट्टिया बीट के प्रभारी नीलेश पाटिल व उप वन परिक्षेत्र अधिकारी राजकमल आर्य द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। इस पूरे प्रकरण में क्या कहना है पानसेमल के SDM अंशु जावला का, आइए सुनते हैं। मैंने कंजापानी जो पानसेमल तहसील उत्पन्न आता है वहाँ पर एक फॉरेस्ट लैंड को फार्मर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसमें सागवान के पेड़ भी काटे हैं, अवैध उत्खनन भी हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? फॉरेस्ट लैंड के संबंध में फॉरेस्ट विभाग को भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे, और जहां तक अवैध उत्खनन की बात है तो इसकी भी जांच की जाएगी, और जिसने भी अवैध उत्खनन किया है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैम, असल पहले के अवैध उत्खनन होते आए हैं और अभी फिलहाल और दूसरी जगह पर भी हो रहे हैं, तो उसके लिए पहले एक मुहिम चलाई जाएगी क्षेत्र में कि अवैध उत्खनन रुके। लगातार खनिज विभाग की तरफ से कार्रवाई होती रहती है अवैध उत्खनन को लेके, जहाँ से भी सूचना प्राप्त होती है वहाँ कार्रवाई की जाती है और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी।